वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बाल हनुमान जी का स्वरूप बनाना सिखाएंगे। रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो सबसे पहले हम बेबी डॉल लेंगे, कोई भी बेबी जो आपके पास टॉयज़ शॉप में आपको इजीली मिल जाती है। तो उसके बाल मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, तो ये नेक हेड निकाल कर आप अंदर से उसके टैंगल्स रिमूव करके सारे बाल ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये हमने पूरे अच्छे से निकाल दिया है, क्योंकि हमें पूरा रीपेंट करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक्रिलिक जो मेरे पास कलर्स हैं, थिन पेंट ब्रश और पेंसिल और एक थिन मार्कर मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लाइट, बिल्कुल लाइट हैंड से जो है पेंसिल से हमने ड्रॉ कर दिया है जहाँ जहाँ जो हमें बनाना है। फिर ये मेरे पास OHP CD थिन मार्कर है जो बहुत ही इजी रहता है ड्रॉ करने के लिए, तो उससे बहुत ही केयरफुली हमें आईज ड्रॉ करनी है, आईब्रोज ड्रॉ करनी है और फिर हम माथे जो तिलक है वो बनाएंगे और आईज के ऊपर जो अंदर है पूरी आईज हमें कवर करनी है वाइट कलर से, क्योंकि जो हम स्वरूप दे रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें आईज थोड़ी बड़ी बड़ी हों, क्योंकि ये बाल हनुमान जी हैं तो थोड़ा क्यूट भी बनेगा। तो अब यहाँ पर हम तिलक बना रहे हैं, तिलक एग्जैक्टली जैसे हनुमान जी लगाते हैं, अब सेंटर में हम रेड डॉट लगाएंगे। और जो हमारा फेस का है उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा रेड कलर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ येलो लेकर एक अच्छा सा ऑरेंज कलर का शेड मैंने ले लिया है मिक्स करके, तो वो शेड हम यहाँ पर जो हमने पेंसिल से पहले ड्रॉ किया था तो वहाँ पर हम उसे कवर कर रहे हैं। तो इसे हम अच्छे से सूखने देंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कलर करेंगे। तो अब यहाँ पर जो आईज़ के बीच में हम यहाँ पर ग्रीन, मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, आप चाहें तो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। और ईयर्स भी आप देख रहे हैं, ईयर्स में भी मैं थोड़ा वही ऑरेंज कलर लगा रही हूँ, आईबॉल में ब्लैक कलर देके और छोटा सा डॉट हम वाइट लगा देंगे, तो इससे एकदम नेचुरल आईज़ दिखेंगी। और अब यहाँ पर मैं हेड पेंट कर रही हूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर लेकर पूरा हेड कवर कर रही हूँ पेंट से, तो थोड़ा बहुत आप जैसे भी पूरा आपको कवर करना है। बाल भी हम बनाएंगे बट उससे पहले इसे कवर करेंगे तो अच्छा लुक आएगा। यहाँ पर हम बाल बनाने के लिए ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे हमें नॉट्स लगाकर बालों, ये जो है इक्वल साइज़ के लेंथ के धागों को, ऊन के धागों को लेना है और इतनी सरकमफ्रेंस रखना है कि आपकी जो डॉल है उसका पूरा जो हेड है कवर हो जाए। तो फिर ग्लू लगाकर हम उसे ड्राई होने देंगे। यहाँ पर हम लंगोट बना रहे हैं, लंगोट बनाने के लिए हम मेजर करके पहले कपड़ा ले रहे हैं, उसमें फिर हम लेस चिपकाएंगे। लेस चिपकाने के बाद हम उसे जो है ग्लू लगाकर, हॉट ग्लू लगाकर चिपका देंगे उनके अराउंड। और फिर जो लेस हमने चिपकाई है उसी लेस का इस्तेमाल करके फ्रंट से लेके बैक की तरफ हम थोड़ा टाइटली यहाँ से कर देंगे, जिससे कि वो एक लंगोट का पूरा शेप आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा आपकी लेस बच गई है उसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से वेस्ट के अराउंड। तो ये हमने यहाँ पर लगा ली है, तो इस तरीके से हमारा क्यूट सा लंगोट रेडी हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर गोल्डन बॉल चेन है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। यहाँ पे पाँव में, हाथ में और गले में, नेकलेस में, वो सब में एक ही ये बॉल चेन का इस्तेमाल हम आराम से कर सकते हैं। नेकलेस भी बन सकता है, एक तरफ ग्लू लगाकर और फिर एक राउंड लेकर और एक लंबा छोड़कर हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा ऑर्नामेंट्स भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये बाल हमने किया था वो ड्राई हो गए हैं और अब यहाँ पर हम ग्लू लगाकर चारों तरफ और अच्छे से उसे चिपका देंगे। और फिर जब चिपक जाएगा तो एक साइड बन हमें बनाना है और फिर हम रबर लगाकर उसे बांध देंगे। और फिर मेरे पास मोतियों की माला है, वो माला मैं उसके अराउंड बांध रही हूँ। यहाँ पर मैं जंप रिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ कानों में इयररिंग्स बनाने के लिए, जो कुंडल जिसे कहते हैं वो जंप रिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम टेल जो पूंछ होती है वो बनाने के लिए मैं एक गोल्डन वायर ले रही हूँ जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्राफ्ट शॉप में आपको इजीली मिल जाएगी। और ये जो ऊन है हमारी काली, उसी से ही इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और इसे ग्लू लगाकर हम चिपका देंगे। तो ये हमारी टेल भी रेडी हो गई है। अब हमें बनाना है गदा, हनुमान जी का गदा। उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फोल्ड करके एक गोल हमें बनाना है।
तो जब हमारा ये गोल बॉल बन गई है, तो यहाँ पर ये चॉकलेट रैपर है, जो चॉकलेट रैपर मैं यूज़ कर रही हूँ, और उससे हम स्टिक के साथ इसे चिपका रहे हैं, और स्टिक को भी हम गोल्डन ही कलर से रैप कर देंगे। तो ये हमारा क्यूट सा छोटा सा गधा भी रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने बाल कृष्णा भी बनाए हुए हैं, लिटिल कृष्णा, और लक्ष्मी माता भी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए हमारी न्यू अपलोड की। तो देखिए, इस तरीके से बाल गोपाल जी रेडी हो गए हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना ना भूलें। फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। जय हनुमान जी।